हेलो दोस्तों, मैंने एक केबल परचेज़ किया हुआ था। मेरा जो कैबिनेट है उसमें चार फ़ैन लगे हुए हैं, जिसमें का जो एक फ़ैन है थोड़ा वर्क नहीं कर रहा था, उसका जो वायर है निकल गया था, इसलिए मैंने एक केबल परचेज़ किया हुआ था। सोचा इसे मैं अटैच करके यूज़ करूँ तो शायद जो मेरा फ़ैन है वो चालू हो जाए। तो वो कौन सा मैंने केबल परचेज़ किया हुआ था वो मैं आप लोग को दिखा दे। इस तरीके से कुछ पैकेज में आया हुआ था, अमेजोन से मैंने परचेज़ किया हुआ था। इसमें रिटर्न पॉलिसी, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया हुआ था। यदि फ़ैन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या है, मैं इस केबल को रिटर्न कर दूंगा। तो देख पा रहे कुछ इस तरीके से हमें ये केबल देखने को मिला हुआ था। ये है मेल वाला साइड है, ये वाला देख पा रहे जिसमें एक 4 पिन और 3 पिन का आपको देखने को मिलेगा। ये है फीमेल साइड जिसमें आपको 4 पिन का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी जो वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छा मुझे लगा हुआ था। इस प्रोडक्ट का नाम है VIP गैजेट PWM अडॉप्टर केबल करके आता है। ये मुझे 230 रुपये करीब देखने को मिला हुआ था, देख पा रहे हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा वीडियो थोड़ा फोकस कर लेता हूँ इस तरीके से, देख पा रहे हैं। 230 रुपये करीब मुझे देखने को मिला हुआ था। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसे मैंने फ़ैन में अटैच किया हुआ था, देख पा रहे हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर फ़ैन में अटैच किया हुआ था। मेरे पास जेब्रोनिक का इनविक्टा का एक कैबिनेट है, देख पा रहे हैं। इस तरीके से फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है, बाकी यहाँ पर जो लाइट है वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर केबल को और एक्सटेंड करके मैं यहाँ पर अटैच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो फ़ैन है वर्क नहीं कर रहा था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि फ़ैन में क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो मैं सोचा इसे मैं रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरा फ़ैन है ना, कभी कभी ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, कभी कभी बंद हो जा रहा था। मतलब फ़ैन में ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर वायर में कोई सही प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने केबल परचेज़ किया हुआ था। तो मैं सोचा इस केबल को मैं रिटर्न कर देता हूँ। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो केबल है कैसा आया हुआ था, देख पा रहे। इस तरीके से आपको केबल देखने को मिला हुआ था इस तरीके से, जो कि आप इस फ़ैन में अटैच कर सके, इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फ़ैन ऐड कर सकते हैं। ये मेरा कैबिनेट का मॉडल नंबर है, आप देख पा रहे हैं, जेब इनविक्टा करके आपको देखने को मिलेगा। और देख पा रहे पूरा मैंने इस तरीके से वायरिंग किया हुआ है। तो यदि आप लोग भी एक केबल परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वाला केबल परचेज़ कर सकते हैं, देख पा रहे। इस तरीके से इसकी बिल्ड क्वालिटी केबल की काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी मैंने तो इसे रिटर्न कर दिया है, मेरे फ़ैन में ही कोई सी प्रॉब्लम है। मेरे को एक नया फ़ैन परचेज़ करना है जो इस जेब्रोनिक के जगह अटैच कर सकूँ। तो मेरा समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा फ़ैन परचेज़ करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने फ़ैन ऑनलाइन सर्च किया हो तो जेब्रोनिक का ये वाला सेम फ़ैन नहीं मिल रहा है। वो रिंग वाला देखने को मिलेगा, या आपको वो इस सेंटर ग्लो वाला देखने को, सेंटर ग्लो में जो सेंटर ग्लो करता है ना, वो वाला फ़ैन चाहिए मेरे को जो इसके साथ सिंक कर दे। लेकिन क्या है, 3 फैन आपको देखने को मिलेगा, 3 या 4 मिलता है, सिंगल नहीं मिलता है। यदि मैं 3 फैन भी परचेज़ करता हूँ तो इसमें सही से सिंक नहीं हो पाता है, दोनों मिक्स मैच नहीं खा पा रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे लिए एक फ़ैन सजेस्ट कर दें। 120 mm का RGB फ़ैन चाहिए मेरे को, जैसे कलर वलर सारी चीज़ें चेंज हो जाए। इसका भी कलर चेंज होता है, ये RGB फ़ैन है। तो इस तरीके से मैं दिखा देता, ये है इस तरीके से केबल देखने को मिला था। यदि आप भी चाहते हैं तो केबल परचेस कर सकते हैं। यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है हुआ है, इस यदि आपको प्रॉब्लम होगा तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।